मोदी सरकार गांधी परिवार के चश्मचिराग राहुल से जाने कौन सा बदला निकाल रही है। जैसे ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई, वैसे ही उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने तय समय सीमा के अंदर बंगला खाली करने का ऐलान कर दिया। लेकिन आज भी कई ऐसे सीनियर लीडर हैं जो सांसद नहीं हैं, लेकिन अभी भी सरकारी बंगले में मजे से रह रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मायावती, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद और YS चौधरी अभी सांसद नहीं हैं, लेकिन दिल्ली में अभी भी ये सरकारी बंगले में रह रहे हैं। मोदी सरकार ने इन्हें बंगला खाली करने का कोई नोटिस जारी नहीं किया है। बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल लाल कृष्ण आडवाणी के पास भी सरकारी बंगला है। सांसद ना होने के बावजूद आडवाणी सरकारी बंगले में रह रहे हैं। 2019 से ही आडवाणी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। अभी आडवाणी नई दिल्ली के लोधी स्टेट के पृथ्वीराज रोड पर बंगला नंबर 30 में रहते हैं। आडवाणी को सरकार की ओर से ये बंगला खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। सरकार की दलील है कि आडवाणी की जान को खतरा है, इसलिए उनसे उनका सरकारी बंगला वापस नहीं लिया जा सकता है। बीजेपी के कद्दार नेता मुरली मनोहर जोशी भी सरकारी बंगले में रह रहे हैं। जोशी ने अपना आखिरी चुनाव 2014 में लड़ा था। 2019 के बाद से जोशी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। इसके बावजूद जोशी नई दिल्ली के संसद एरिया मार्ग के 6 रायसीना रोड के सरकारी बंगले में रहते हैं। जोशी को भी मोदी सरकार ने बंगला खाली करने का कोई नोटिस जारी नहीं किया है, क्योंकि मोदी सरकार का तर्क है कि मुरली मनोहर जोशी की सुरक्षा को आतंकियों का खतरा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2017 में कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद मायावती के पास त्यागराज रोड का सरकारी बंगला था। केंद्र सरकार ने साल 2022 में मायावती के लिए 29 लोधी स्टेट का बंगला आवंटित कर दिया। मोदी सरकार का तर्क है कि मायावती राष्ट्रीय पार्टी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस लिहाज से उन्हें एक सरकारी बंगला मिलना चाहिए। इसके अलावा मोदी सरकार का ये तर्क है कि मायावती की सुरक्षा का खतरा है, इसलिए उन्हें सरकारी बंगला खाली कराने का नोटिस नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद के पास भी सरकारी बंगला है। आज़ाद का राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बाद भी नई दिल्ली के 5 साउथ एवेन्यू लेन में आज़ाद के नाम से सरकारी बंगला आवंटित है। मोदी सरकार ने आज़ाद को कभी भी सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस नहीं दिया है। मोदी सरकार ने इसके पीछे उनकी सुरक्षा का तर्क दिया है। इस लिस्ट में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का नाम भी दर्ज है। अप्रैल 2022 में ही आनंद शर्मा के राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन आनंद शर्मा ने उनका सरकारी बंगला 28 लोधी स्टेट को खाली नहीं करवाया गया है। वहीं बीजेपी से राज्यसभा के पूर्व सांसद YS चौधरी का भी राज्यसभा का कार्यकाल 2 अप्रैल 2022 को खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी उनके पास सरकारी बंगला बरकरार है। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से कोई पुराना हिसाब चुकता कर रही है, इसलिए संसद सदस्यता खत्म होते ही राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, QY नेटवर्क।